कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र अहारजी जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। मुझे अध्यक्ष बनाओ या नहीं बनाओ, मैं तो इनको अपना मानता ही हूँ। ये भी गुरु जी आपको ही अपना मानते हैं। मेरा तो ये प्रिय क्षेत्र है क्योंकि हमारे बच्चे, देखो सारे लोगों से मेरा कहना है, ललितपुर समाज भी बहुत बड़ी समाज है, ये छोटे छोटे स्थानों पर छात्रावास चल रहे हैं, इन छात्रावासों को जीवित करो। कोई ज़्यादा कठिन दान नहीं है, मंदिर तो करोड़ों में बनते हैं। एक एक बच्चा, देखो अभी बता रहे थे 1 लाख रुपए में 7 साल तक बच्चा संस्कार लेता है, इससे सस्ता और क्या चाहिए, इससे सस्ता और क्या चाहिए। ऐसी स्थिति बनना चाहिए, आज अपन संस्कार लेने वाले छात्र नहीं हैं, और जो संस्कार लेना चाहते हैं उनको हमारे पास रखने को जगह स्थान नहीं है, ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। देखो आज बच्चों को जितना अपन संस्कारवान छात्रों को छात्रावास में ले सकेंगे, आचार्य जी ने एक बात कही थी कि हम, क्योंकि अपन हम लोग सब थक चुके हैं बूचड़ खाने बंद कराने में, पूरा प्रयास कर लिया हमने, किया हमारे पूर्वजों ने किया, विनोबा भावे ने किया, लेकिन आज तक बूचड़ खाने बंद बढ़ रहे हैं। अब एक ही तरीका है कि बूचड़ खाने तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम गौशालाएं खोलकर सारी गायों को गौशाला में बंद कर लें, बूचड़ खाने अपने आप बंद हो जाए। जब रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से रहेंगे। इसी प्रकार से हम कॉन्वेंटों को बंद नहीं कर सकते, हम दुनिया की भौतिक चकाचौंध में दौड़ने वाली शिक्षाएं बंद नहीं कर सकते। हम एक तरीका कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को, जितने बच्चे हो सकें, आहार जी सांगाने खनिया धाने आदि छात्रावासों में जितने बंद कर लेंगे वही हमारी पूंजी बढ़ेगी। यही है भाभी जैन, भाभी पंडित और भाभी मुनि। जय हो। कॉन्वेंट में पढ़ने वाला कोई मुनि नहीं बनने वाला, कॉन्वेंट में पढ़ने वाला कोई अभिषेक का लोटा उठाने वाला नहीं है, कोई पूजा करने वाला नहीं है, कोई आहार देने वाला नहीं। मात्र जो छात्रावास में जो बच्चे पढ़ेंगे इन्हीं में से कोई मुनि बनेगा, कोई भगवान का भक्त बनेगा, कोई मुनियों को आहार देने वाला होगा। तो ये जितने अपन कर लेंगे उतना ही, जितने छात्रावासों को अपन सुरक्षित कर लें। हम तो कहते हैं एस्पेर वाले ऐसा करें, आज 88 छात्र हैं, आज एक दिन ऐसा हो आहार जी में 800 छात्र हो। जय हो। और ये 800 छात्रों को आप पालन करें, ऐसा पालन करें कि मैं छात्रों का पालन नहीं कर रहा हूँ भाभी मुनि का पालन कर रहा हूँ, ऐसा पालन करें कि मैं भाभी जैन श्रावक का पालन कर रहा हूँ, अभिषेक करने वालों का पालन कर रहा हूँ, विद्वानों का पालन कर रहा हूँ, ऐसा मान करके आप लोग इनको करें, इनको बढ़ावा। ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरमम नम हम तम तम पम वम वम मम मम हम नम तम सम तम तम पम पम जम 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 श्रीं श्रीं राम राम दीं दी दब दब नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जलंजन अभिषेक्यम तीस्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांताजलि विश्वाप्याम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्थे भगवते श्रीमते। अस्माकं शांतिधारकर्तारा श्रीमान राजीव जी जैन, श्रीमती अंजलि जैन, आयुष जैन, मयंक जैन, 136 शाश्वत कमला नगर आगरा, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन, पुत्र पुत्रवधू सचिन जैन, रूपल जैन, पौत्री प्रांगल जैन, पौत्र आदि जैन, RCM प्रभार 160 कमला नगर आगरा, श्री राजेश जैन रानू, श्रीमती पद्मा अविक अर्स मोनू जैन सप्रभार मधुबन दिल्ली, श्रीमती प्रीति जैन धर्मपत्नी, वीरेंद्र कुमार जैन पुत्र पुत्रवधु सौरभ जैन, नताशा जैन, बाबा जैन, आरसु जैन पौत्री, पौत्र बन्ने जैन, निशा जैन, विदित जैन दिलसाद गार्डन दिल्ली, श्री सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुमन जैन एवं परिवार अभिषेक अनुज निर्माण आरती जैन पश्चिम बिहार दिल्ली, श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती कुसुमलता जैन, संजीव जैन, प्रीति जैन, शुभम जैन, शिल्पी जैन, साक्षी जैन शामली उत्तर प्रदेश, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती अनुभव जैन, आर्यो जैन, महेंद्र जैन, सरोज जैन, अंकित जैन, सासावाले मकरौनिया सागर, गर्भस्थ शिशु और माता के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री कुशल चंद जी जैन, राहुल जैन की स्मृति में स्वाति जैन, प्रसम जैन सपरिवार जबलपुर और सुख शांति एवं प्रॉपर्टी काम में सफलता हेतु श्री आरिका जैन बड़ौत जिला बागपत, श्री सुनील कुमार जी जैन बड़ौत,
श्री श्री पदमचंद जी, श्रीमती प्रेमलेश जैन, खैरा मोहल्ला, बरहन जिला, आगरा, उत्तर प्रदेश, समी दर्शन करने वाले समस्त दर्शनार्थी व्याधिम धरंतु व्याधिम धरंतु व्याधिम धरंतु जनाब से पूजन प्रसादत अस्माकम सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा बनाश्रम भवतु। ओम नमो अर्धे भगवते पिक्षिणा से दोष कलमसाय द्रव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथा शांति कराय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगापि मृत्यु विनाशाय सर्व प्रकोच द्रुपद विनाशाय सर्वर शांति कराय। ओम भ्राम भ्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रौ ह्रा अश्यवश नमः। मम सर्व विघ्नम शांतिम कुरु कुरु, मम सर्व तुष्टम कुरु कुरु, मम सर्व पुष्टम कुरु कुरु स्वाहा। मम कामम छिन्द छिन्द भिन्न भिन्न मंदे रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम बैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चादिक सिंहादिक भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोष व्याधम डामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च छिन्द छिन्द भिन्न भिन्न दे सर्व सूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम जुर्रोगम च छिन्द छिन्द भिन्न भिन्न दे सर्व नरमारम छिन्द छिन्द भिन्न भिन्न दे सर्वस गजस महस मारम छिन्द छिन्द भिन्न भिन्न दे सर्वस धान वृक्ष चलता गुल पत्र पुष्प फल मारम छिन्द छिन्द भिन्न भिन्न दे सर्व राष्ट्र मारम छिन्द छिन्द भिन्न भिन्न दे सर्व क्रूर बेताल अस्माकम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगो धन धान्यं सदा संतु श्री सद्यम बराय रागुरम विद्धिरस्तु। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम एम अरहमस्य अवसानात विद्यानमोरियंत्रणम हरम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम एम अरहमस्य अवसानात विद्यानमोरियंत्रणम हरम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। शंभुजी का नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र श्यामन तपोदनानम देशैश्च राष्ट्रैश्च पुरा शैराग्या करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र शाङ्किकान्ते मुच्चैस्तिकं स्थितिभानुकरा प्रतापं मुक्ताफलाप्रकरजालभृभे देशोभं प्रख्यापयत्र जगता परमेश्वरत्वम्। ओम नि अष्ट प्रहतर मध्य चतुर्थ स्थापयामी कुंदा दंच शांकि शुचि निर्जर बारी धारे मुचैष्टितम सुरगिरे रे विषाति कौम्बम। ओम नि अष्ट प्रहतर मध्य चमर द्वय स्थापयामी अभिषिकांते शांति धारा विस्वादि बिरंतु बिरंतु पामते स्वाहा। बड़े ही हर्ष का विषय है कि सन 1936 में छुल्लक गणेश प्रसाद जी बड़े द्वारा यहाँ पर एक गुरुकुल की स्थापना की गई थी जो कि अभी तक अनवरत रूप से चल रही है और वर्तमान में 80 बच्चे अध्ययनरत हैं। सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और यह आप सभी दानवीर महाभावों के द्वारा ही संभव हो पाती है। एक छात्र गोद लेने के लिए एक वर्ष के लिए 15,000 रुपये और आप उसी छात्र की 7 वर्ष तक पूरी पढ़ाई कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1,00,000 रुपये दे करके उस छात्र के धर्म के माता पिता बन सकते हैं और शिक्षा का दान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्याचक थे श्री 1008 दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र अहार जी जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश।